हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। कुछ ही क्वेश्चन ऐसी होती हैं जिसको सिंपली हल करने में बहुत टाइम लगता है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर उसके फैक्टर वगैरह आराम से निकाल सकते हैं, और जिस वैल्यू की हमें नीड होगी अननोन वेरिएबल की, उसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी में हमने दो टाइप पहले सीखे हुए हैं, आज हम टाइप नंबर 3 सीखेंगे कि एक क्वेश्चन अगर गिवन है तो उसको हम किस तरह रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और फिर उससे एक्स या फिर वाई जो भी वेरिएबल होगा, उसका अननोन वेरिएबल जो भी होगा, उसका वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। आज हम टाइप नंबर 3 करने लगे हैं, जिसमें ये जनरल फॉर्म है कि किस तरह की आपको जो टाइप नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन जिसको हम चेंज कर सकेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका फॉर्म कैसा होगा। उसके साथ में मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपको अंडर रूट टाइप नंबर 3 के मुताबिक, ये जो आपको अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी नज़र आ रहा है, इसको आपने सिंपली लेट कर लेना है वाई के इक्वल। जब वाई के इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, ये इस ब्रैकेट मतलब इस अंडर रूट के अंदर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, एक्स्ट्रा टर्म है सी, सी को हमने उस साइड कर लेना है, बराबर की इसका है, फिर हमने वाई यहाँ पर पुट कर लेना है। चलो तो लेट कर लेते हैं हम, लेट वाई जो हमारा बन जाएगा वो अंडर रूट में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो हमें यहाँ भी वाई वैल्यू, क्योंकि हमने वाई अब हम यहाँ ने चेंज कर लेना है, जो वैल्यू है ये वेरिएबल जो है एक्स के बजाय अब हमने वाई लिखना है। तो सिंपली हम यहाँ पर तो वाई नहीं लिखेंगे, अगर हम वहाँ यहाँ पर वाई लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमें वाई लिखना होगा, मतलब एक्स वेरिएबल हमें इस इक्वेशन में अब नज़र ही ना आए। अब हमने चेंज करना है अगर वाई में, तो सारे के सारे वेरिएबल जो हमें हैं वो वाई में, ये जो है आपका एल ए बी एम, ये जो एन है ये आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये हमारे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यहाँ पर है एक्स, जिसको हमने अब चेंज कर लेना है वाई में। इन द लास्ट में हमने फिर भी एक्स का वैल्यू ही निकालना है, तो इसको वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन हमारी खैर ये इक्वेशन हमारी है बी। खैर इसको तो हल नहीं करना, हमने हल करना है एग्जांपल को, लेकिन हम यहाँ से वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हमारा स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर, और ये अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वाई हमारा बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब सी यहाँ पर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स तो है यहाँ पर, लेकिन सी नहीं है, तो इसलिए सी को हमने करना है इस साइड, तो हम खैर वाई स्क्वायर, तो दिस एम्फसाइज ये हमारा बन जाएगा कि वाई स्क्वायर माइनस में सी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स। अब वैल्यूज़ जो है हमने इस इक्वेशन में चेंज कर लेने हैं, ज़रा मैं इसे चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में सी और प्लस में एम, और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू में एन, यहाँ पर वाई रखेंगे एम उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर एल भी है, ये एल किसी न किसी कोई ना कोई यहाँ पर रियल नंबर है। ये था जनरल फॉर्म जिसको हमने इस तरीके से चेंज किया, लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल भी है, तो चलो हम इसको चेंज करके देखते हैं और इसे हल करते हैं कि हम टाइप नंबर 3 को यूज़ करते हुए कैसे कोई एक इक्वेशन रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में फिर हल करेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने लेट किया, तो यहाँ से ये टर्म जो अंडर रूट के अंदर है ये मैं लेट कर लेता हूँ वाई के, क्योंकि एक्स तो है पहले ही, तो मैं इसे वाई के इक्वल कर लेता हूँ, तो हमारा वाई बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 3x² माइनस में 2x प्लस में 4। इक्वेशन नंबर से बी का नाम दे देते हैं,
और इक्वेशन नंबर से, और हमें यहाँ पर भी वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा वाई बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, अंडर रूट ख़त्म, स्क्वायर ख़त्म, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4। यहाँ पर हम देखें तो 3x स्क्वायर माइनस में 2x है, लेकिन इसके साथ 4 नहीं, तो 4 को हम इस साइड ले आते हैं, y की साइड, तो ये हमारा बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस में 4, क्योंकि यहाँ पर y जो 4 है वो प्लस का है, इस साइड में आ जाएगा तो नेगेटिव का। नाउ चेंज वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में अगर हम चेंज करेंगे वैल्यूज़ तो ये हमारी इक्वेशन जो है अब x वेरिएबल से y वेरिएबल में चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये भी आपने गौर करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है बी, इसको भी हमने इन द लास्ट में यूज़ करना है, तो मैं इसे ज़रा सेटिंग कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है वैल्यू एक्स 3x² माइनस में 2x, इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर लेना है, वाई माइनस में 4, वाई स्क्वायर माइनस में 4, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 4, और माइनस ये साइन लिखनी है, फिर हमने माइनस ये वाई का वैल्यू है टोटल, तो यहाँ पर हम वाई लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू में हम 16 लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस में वाई माइनस में 4 और माइनस में 16 इज इक्वल टू हमारा 0 के, और इसे हम वाई स्क्वायर माइनस में 4, सॉरी माइनस में वाई और माइनस में हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर हम देखें तो वो है 1, बी का वैल्यू अगर देखें तो वो है -1, और सी का वैल्यू अगर हम देखें तो वो है माइनस में 20। तो वैल्यूज़ अब हमने कौन सी फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने पुट कर लेने हैं, तो वाई हमारा बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a। जब हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो ये वाई हमारा बन जाएगा माइनस बी का वैल्यू है -1, तो हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं, और प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का, -1 का अगर स्क्वायर करें या फिर 1 का स्क्वायर करें सेम ही बात है, क्योंकि ये फिर भी प्लस बन जाता है 4, और ए का वैल्यू है हमारा पास, हमारे पास 1, और सी का वैल्यू है हमारे पास -20, और इसके होल के अपान में है 2, क्योंकि ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू है 1, 1 से मल्टीप्लाई जाएगा तो ये बन जाएगा 2, वाई इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस माइनस अंडर रूट में हमारा बन जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 16, क्यों 60 नहीं 80 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 80, और इसके अपान में हमारा वाई हमारा बन जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 81 डिवाइडेड बाय 2, और जब हम 81 का अंडर रूट निकालेंगे तो वाई हमारा बन जाएगा, यहाँ पर अगर हम 81 का अंडर रूट निकालते हैं तो वाई हमारा बन जाएगा 1 प्लस में प्लस माइनस 9, क्योंकि अंडर रूट 81 का 9 है और डिवाइडेड बाय 2 है, वाई हमारा बन जाएगा अगर हम प्लस वाला वैल्यू यहाँ से लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू हमारा 10 डिवाइडेड बाय 2, और वाई हमारा वैल्यू बन जाएगा 5। एक वैल्यू हमारा ये है, दूसरा अगर हम नेगेटिव लें तो वाई इज इक्वल टू हमारा जाएगा 1 माइनस में 9 डिवाइडेड बाय 2, और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2, और वाई हमारा बन जाएगा माइनस में 4, दूसरा वैल्यू हमारा ये है। अब जैसे कि हमारी इक्वेशन थी पीछे शुरू शुरू में जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये, तो हमने ये इक्वेशन फिर से यूज़ करनी है,
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स प्लस में फोर इज इक्वल टू है हमारा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर बी है कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स प्लस में फोर, ये अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो है इज इक्वल टू है y के। अब हम y का वैल्यू वन बाय वन यहाँ पर दोनों वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है कि यूज़ करें या फिर ना भी करें। तो ये हमारी बन जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स प्लस में फोर, वाई का वैल्यू हम पहले फाइव पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम फाइव पुट करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस में टू एक्स प्लस में फोर इज इक्वल टू हो जाएगा 25, क्योंकि अगर इस फाइव का स्क्वायर करेंगे कुछ यूं तो यह हो जाएगा 25। तो हमारे पास बाकी रहा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स टू एक्स प्लस में फोर माइनस में 25 इज इक्वल टू में ज़ीरो। तो ये हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स, अब हमारे पास माइनस में 21 है इज इक्वल टू में ज़ीरो। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, और ये जो दूसरा वैल्यू है यहाँ पर, अब फाइव मैंने वाई का वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो फोर है ये आपके लिए यूट्यूब वर्क है, होमवर्क है, क्लास वर्क है, जो भी आप समझें ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करना, लेकिन मैं सिर्फ फाइव जो है उसके मुताबिक एक्स का वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। जब आप कर लें तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारा बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारी थ्री और बी की वैल्यू है हमारा माइनस टू और सी की वैल्यू है माइनस में 25। एक्स इज इक्वल टू माइनस में क्या, माइनस में टू प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम टू का निकालेंगे तो जो हो जाएगा फोर, और माइनस में फोर लिखेंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास थ्री और बी की वैल्यू है माइनस में 21 डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू हमारी बन जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर और माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री इंटू फोर 12। अब मैं ये ज़रा करके, अब जब हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 252, और प्लस में जब हम इसको 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू में 2 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसका अंडर रूट निकालेंगे हम, तो इसका अंडर रूट जब हल करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से आप कर लेना, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 16। तो एक्स हमारा बन जाएगा 2 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। एक्स की वैल्यू हो जाएगी जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 16 डिवाइडेड बाय 2। एक्स की वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी एक्स, ये 16 है 19 है और 9 18 बन जाएगी, 18 को डिवाइड करेंगे हम जब 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, जो कि नहीं आ रहा, और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा जो है 16, इसका अंडर रूट जो है 16 निकलेगा और निकलेगा और डिवाइडेड बाय, और जब हम इसे हल करेंगे तो इसका अंडर रूट जो है हमारा 256 का जो है अंडर रूट हमारा 16 निकलेगा, और प्लस माइनस जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये डिवाइडेड बाय, मतलब कि 18 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो होगी हमारी 18 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और उस पर टेबल लगाएंगे तो एक्स का वैल्यू हमारा 3 बन जाएगा। इसी तरह जब हम एक्स इज इक्वल लिखेंगे 2 माइनस में 16 लिखेंगे तो ये हमारा डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हमारा बन जाएगा क्या 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 माइनस में 14,
4 डिवाइडेड बाय 6, एक्स इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा जब हम इस पर टेबल लगाएंगे कि 2 होल 2 अपान में 6 और ये नेगेटिव नंबर, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू। से आगे हल करना चाहते हैं तो ये और भी हल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर टेबल लगते हैं, ये हो जाएगा 7 और डिवाइड में आ जाएगा 3। जैसे कि इसका भी हम, खैर इसको भी हम फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 होल 1 अपान में 3। खैर वो यहाँ पर भी हम हल कर सकते थे कि 1 और यहाँ पर 3, इसको भी वैसे ये भी आंसर सही है। अगर आप ये आंसर सही रहने देते फिर ये भी आंसर हमारा सही है। तो हमारे पास जो रूट निकले हैं वो, खैर मैंने थोड़े ही रूट निकाले हैं एक्स के, बहुत सारे निकल सकते हैं, और भी हमारे पास जो वैल्यू था उससे भी दो रूट हमारे निकल सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ एक वैल्यू से जो रूट निकाले हैं वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 होल 1 अपान में 3, ये हमारे पास है। और इसके बाद तीसरा होगा और चौथा होगा, 4 रूट होंगे यहाँ पर, वो आप खुद कर लेना। थैंक यू।